हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फुटपाथी महिला व्यवसायियों ने लगाई न्याय की गुहार, नगर निगम के कर्मचारियों पर परेशान करने का लगाया आरोप। शहर के ऐतिहासिक घंटाघर में फुटपाथ पर बैठकर चूड़ियां बेचने वाली महिला व्यवसायियों ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने नगर निगम के कर्मचारियों पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल घंटाघर में फुटपाथ पर बैठकर चूड़ियां व अन्य श्रृंगार सामग्री बेचने का पुश्तैनी व्यवसाय करने वाली महिलाएं आज दोपहर में जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और अपनी मांगों का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। उन्होंने बताया कि वे घंटाघर में कई सालों से चूड़ियां बेचने का व्यवसाय कर रही हैं। उन्हें किसी तरह की जमीन आवंटित नहीं की गई है, इसलिए वो फुटपाथ पर ही बैठती हैं। कुछ दुकानदारों से मिली भगत कर नगर निगम के कर्मचारी उन्हें परेशान कर रहे हैं। वे उन्हें वहाँ व्यवसाय नहीं करने दे रहे हैं। सुबह आकर उनका सारा सामान जब्त करने और जुर्माना भरने की धमकियां दे रहे हैं। कई बार उनकी जुर्माने की रसीद भी काट चुके हैं। इन महिलाओं ने मांग की है कि उन्हें भी किराए पर जमीन आवंटित की जाए ताकि वे अपना व्यवसाय कर परिवार का पालन पोषण कर सके। वो जो नगर निगम आज में आते है वो परेशान करते है। जब बिमला थैला है इतना वो कॉल में बैठते तो थैला ना हाथ में कोस कर ले जाते है, नहीं मानते तो झाड़ू वाली औरतों को लेकर आते है। कहाँ पर लगाते हो? हम घंटाघर नेहरू मार्केट आगे, नेहरू मार्केट आके बैठते हैं। और जो थैला खोलते है या थैली मेन खोलते है ना, कोई वीडियो कर भेजते हाथों हाथ तो आदमी बोलते है की हमारा आगे है, हमारा साहब का फोन है, आप हटो यहाँ से, आप हटो यहाँ से, नहीं आपको जबरदस्ती पुलिस बुला कर लाना पड़ेगा आपको। अब आज आप यहाँ क्या करने आए हैं? ये हम आज कलेक्टर के पास आए ज्ञापन देंगे। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।